अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरे फलक और सूरे नास, जो कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ सूरत हैं, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे और आपको ये सूरत याद भी होंगी ज़्यादातर सभी को, क्योंकि नमाज की शुरुआत इन्हीं सूरतों से होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों सूरतों की वो सारी फजीलतें बताने जा रहे हैं जो हदीसे मुबारका से साबित हैं, और इंशाअल्लाह इन सारी फजीलतों को जानने के बाद आप भी इन पर अमल करने लग जाएंगे और इन सूरतों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे भी। तो फिर आइए जानते हैं इन दोनों सूरतों की फजीलतों के बारे में जो हदीस शरीफ से साबित है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बीमार होते तो इन दोनों सूरतों को, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला हुए, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर दम करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दम फरमाती थी, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों सूरतों की बरकतें हासिल हों। तो इससे पता ये चलता है कि इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने शरीर पर भी हम फेर सकते हैं। और एक और दूसरी हदीस जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही रिवायत है, इसमें ये फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में बिस्तर पर आराम फरमाते तो अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर कुल हु अल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और फिर अपने दोनों हाथों को अपने पूरे शरीर पर फेरा करते थे, यानी जहाँ तक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पहुँचते वहाँ तक अपने हाथों को फेर लिया करते थे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जब आप लोग रात को अपने बिस्तर पर जाया करो सोने के लिए, तो इस अमल को कर लिया करो, और अगर साथ में आयतल कुर्सी भी पढ़ लो तो और भी अच्छा है। और फिर इन्हें पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पर दम करके अपनी पूरी बॉडी पर फेर लिया करो, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से कोई जिन्नात, कोई शैतान, कोई आसीब आप पर अटैक नहीं करेगा। इंसानों के अलावा कोई और जो भी मखलूक है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और इंशाअल्लाह ताला इंसानों से भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके ऊपर जादू है, हवा है, आसीब का असर है, तो उन्हें भी चाहिए कि इन सूरतों पर अमल करें, क्योंकि ये सूरतें तमाम तरह के काले जादू का तोड़ हैं, तमाम तरह की बुरी बलाओं से हमारी हिफाजत करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अगर कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरे इखलास, सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर उन पर दम फरमाते थे। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो इन सूरतों को पढ़कर बीमार पर दम करना चाहिए। इससे पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला बीमारी से शिफा मिलेगी। हज़रत उकबा बिन अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं एक जगह में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था कि अचानक हमें तेज़ हवा और तारीकी ने घेर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास के साथ अल्लाह ताला की पनाह मांगने लगे, क्योंकि इन दोनों सूरतों में अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है। और ऐसा हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है, अचानक से तेज़ हवा चलने लगे, अचानक से अंधेरा छा जाए, या फिर अचानक से कोई मुश्किल हमारे सामने आ जाए, तो ऐसे वक्त में हमें कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक ज़मीन पर रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने डस लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने नालेन मुबारक से मार दिया, और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो बिच्छू पर लानत की, यानी फरमाया कि बिच्छू पर अल्लाह ताला की लानत हो कि वो नमाजी को और गैर नमाजी को, नबी को और गैर नबी को, किसी को भी नहीं छोड़ता, सभी को डस लेता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगवाया और उन दोनों को एक जगह मिलाकर अपनी उंगली पर बहाना शुरू कर दिया,
जहाँ पर बिच्छू ने आपको डसा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उंगली पर अपना हाथ मुबारक फेरने लगे और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने लगे। तो इन दोनों सूरतों को पढ़ने से जहर को भी ख़त्म किया जा सकता है, यानी इससे ये पता चलता है कि ये दोनों सूरतें जहर के असर को कम करने में भी बड़ा फ़ायदा देती हैं। तो जब भी आप लोगों के साथ ऐसे हालात पेश आएँ तो आप लोग इन दोनों सूरतों को ज़रूर पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और एक और हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम सुबह और शाम किया करो तो कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक तीन तीन मर्तबा पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए हर चीज़ से काफ़ी हो जाएगा। यानी इसे पढ़ने के बाद आप लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे, कोई चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसानों की नज़र से पनाह मांगते थे कि जिन्नातों की और इंसानों की नज़र ना लगे। वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब क्यों क्या करते थे? हुजूर तो ऑलरेडी बख्शे बख्शाए थे, हुजूर तो अल्लाह ताला के रसूल थे, उन पर तो कोई भी चीज़ असर नहीं कर सकती थी। तो ये सब उम्मत को सिखाने के लिए था, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगते थे। फिर जब अल्लाह ताला ने कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक को नाजिल फरमाया तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर इन दोनों सूरतों को पढ़ना शुरू कर दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों कुल यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक नज़र से बचाने का भी ज़रिया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।